दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरोफ्लेक्स की ड्यूरापेडिक सीरीज के अपराइट मैट्रेस के बारे में और देखेंगे कि मैट्रेस के अंदर कंपनी ने कौन कौन से फोम यूज़ किए, मैट्रेस का फोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, फील कैसा है, वारंटी क्या है, किन किन लोगों को हम ये मैट्रेस रेकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपराइट मैट्रेस के अंदर कंपनी ने जो टॉप का फैब्रिक यूज़ किया है, ये नीटेड फैब्रिक है विथ पीयू फोम क्विल्टिंग। इसके अंदर पीयू फोम का क्विल्ट यूज़ किया है इस क्विल्टिंग के अंदर, टॉप साइड के अंदर, और बैक में जैकार्ड वूवन फैब्रिक यूज़ किया है। ये पतला सा फैब्रिक है बैक साइड में, इसके अंदर क्विल्ट नहीं है, क्विल्टिंग के अंदर फोम का क्विल्ट नहीं दिया हुआ है, ओनली फैब्रिक यूज़ किया है। और टॉप में जैसे देखे पीयू फोम का क्विल्ट यूज़ किया था इसके अंदर। इसके नीचे का जो फोम का स्ट्रक्चर है, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं एज अ कम्फर्ट लेयर के लिए, ये फाइव जोन ऑर्थोपेडिक सपोर्ट लेयर दिया हुआ है। फाइव जोन में इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी के जो मेजर पार्ट्स है उसको हम फाइव जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फाइव जोन में बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग वेट होता है, तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस हिसाब से ये जो ऊपर का लेयर था उसको डिज़ाइन किया हुआ है, फाइव जोन ऑर्थोपेडिक सपोर्ट लेयर इस तरीके का आता है। ऑलमोस्ट अगर थिकनेस देखें तो डेढ़ इंच या दो इंच के आसपास लग रहा है। इसके नीचे एज अ सपोर्ट लेयर के लिए हाई डेंसिटी बॉन्डेड फोम दिया हुआ है। यह बॉन्डेड फोम हार्ड फोम होता है, इसको रीबॉन्डेड फोम, सुपर बॉन्डेड फोम या ऑर्थोपेडिक फोम भी कह सकते हैं। फॉर्मनेस देने के लिए एज अ सपोर्ट लेयर के लिए मैट्रेस के अंदर यूज़ होता है। इसके नीचे भी थिक लेयर ऑफ पीयू फोम दिया है, पतला सा लेयर है बेस में। तो इस तरीके का फोम का स्ट्रक्चर ड्यूरोफ्लेक्स के अपराइट मैट्रेस के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं इसका फील किस तरीके का है। दोस्तों इसका फील डायरेक्टली जब बैठते हैं तो फर्मनेस वाला फील लग रहा है, सपोर्टिव फील लग रहा है, फर्मनेस वाला फील है। वैसे कह सकते हैं इस मैट्रेस को ऑर्थोपेडिकली डिजाइन किया हुआ है। स्टमक स्लीपर के लिए यह मैट्रेस का फील बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो अपराइट मैट्रेस का जो फील है वो फर्मनेस वाला फील है, आप इसको मीडियम फर्म फील कह सकते हैं। यह मीडियम सॉफ्ट नहीं है, फर्मनेस वाला फील है। तो ऑर्थोपेडिकली यह मैट्रेस हम रेकमेंड कर सकते हैं, जिसको लोअर बैक का इश्यू है उसके लिए यह मैट्रेस अच्छा रहेगा। इन बजट मैट्रेस कंपनी ने बनाया हुआ है, मगर चाइल्ड रूम में चाइल्ड को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा यह मैट्रेस, क्योंकि चाइल्ड को आमतौर पे सॉफ्ट वाले मैट्रेस पसंद आते हैं। तो इस मैट्रेस को मैं मास्टर रूम में, अगर आपकी एज 40 प्लस है, आपका वेट है वो 75-80 प्लस है, तो भी यह मैट्रेस आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा एज अ प्रिवेंटिव के तौर पे, बैक पेन प्रिवेंटिव के तौर पे भी आप इस मैट्रेस को यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स रूम के लिए भी यह बेस्ट मैट्रेस है, उसको भी बैक पेन रिलेटेड इश्यू आफ्टर यूज़ होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर बैक पेन रिलेटेड इश्यू है तो भी यह मैट्रेस रेकमेंडेड है। इन बजट मैट्रेस कंपनी ने बनाया हुआ है, तो बेस्ट मैट्रेस मैं कहूँगा इन बजट के अंदर। इसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस है वो 5 इंच का स्टैंडर्ड थिकनेस है, और इसका जो 5 इंच का रेट है 6x6 फीट का, अगर मैट्रेस आप 5 इंच में लेते हो तो ऑलमोस्ट इसका जो MRP है 19,900 रुपीज़ के आसपास है। और इसके अंदर भी कोई ना कोई डिस्काउंट स्कीम चलता है, तो वो एडिशनल डिस्काउंट इसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर कंपनी जो वारंटी देती है वो 5 ईयर्स की वारंटी देती है, तो 5 ईयर्स तक पीस ऑफ माइंड रहेगा। दोस्तों कुल मिला के देखें तो अपराइट मैट्रेस बेस्ट है पेरेंट्स रूम के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस मैट्रेस के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।